दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम चौथे टेस्ट मुकाबले को जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चौथा टेस्ट मुकाबला रोमांच की सारी सीमा पार कर चुका है। ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए इतना ज्यादा शानदार साबित हो रहा है जिसकी कल्पना तो कभी किसी ने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने आखिरी दिन के दूसरे सेशन में इतनी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया है जिसकी वजह से भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीत लगभग तय हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको दूसरे सेशन की हाईलाइट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव में से कौन बेहतरीन गेंदबाज है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले में इतना जबरदस्त खेल देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से इस मुकाबले में रोमांच की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। बता दें आखिरी दिन का पहला सेशन भारतीय टीम के लिए कुछ खास नहीं रहा था। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही बड़ी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसको देखकर तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अब भारतीय टीम को इस मुकाबले से पिछड़ जाएगी, लेकिन तभी भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इतनी धुआंधार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसकी वजह से भारत ने इस मुकाबले में बड़ी शानदार वापसी कर ली थी। पहले तो इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से हर मोड पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर ने भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई जिसके बाद भारतीय टीम के खिलाड़ियों का मनोबल कुछ हद तक बढ़ा था, लेकिन अभी भी भारतीय टीम के गेंदबाजों को इस मुकाबले में जीतने के लिए 9 विकेट लेनी थी। दोस्तों बता दें जब दूसरे सेशन की शुरुआत हुई तब से भारतीय टीम के गेंदबाज अलग ही रूप में नजर आ रहे थे। उनकी गेंदबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था न जाने वो भोजन के समय ऐसा क्या खाकर आए जिसकी वजह से वो धड़ाधड़ एक के बाद एक घातक गेंद डाल रहे थे। पहले तो भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार फील्डिंग करके डेविड मलान को रन आउट करके इसके बाद रविंद्र जडेजा ने एक बड़ी शानदार गेंद डालकर इस पारी को घातक बल्लेबाजी कर रहे हासिफ हामिद बोल्ड आउट कर दिया। इस विकेट के साथ भारतीय टीम का मनोबल पूरी तरीके से बढ़ चुका था और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में काफी हद तक बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों इसके बाद हमें एक ऐसा करिश्मा वाक्य देखने को मिला जिसके बाद तो भारतीय टीम के इस मुकाबले में जीत लगभग तय हो चुकी थी। ये वाक्य था जब भारतीय टीम के घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने लगातार 2 ओवरों में 2 जबरदस्त विकेट लेकर भारतीय टीम के इस मुकाबले में जीत पूरी तरीके से सुनिश्चित कर दी थी। उन्होंने पहले तो पहली पारी के हीरो रहे ओली पॉप को बोल्ड आउट करा के अगले ही ओवर में उन्होंने जॉनी बेस्टो को बिना खाता खोले ही बोल्ड आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। इन 2 विकेट के साथ भारतीय टीम की इस मुकाबले में जीतने की संभावनाएं लगभग 90% हो चुकी थी, जो 10% अभी भी भारतीय टीम के पक्ष में नहीं थे वो सिर्फ जो रूट की वजह से, क्योंकि वो अभी भी क्रीज पर नाबाद मौजूद है। अगर भारतीय टीम को इंग्लैंड को पैरों तले रौंदना है तो उन्हें जो रूट का विकेट जरूर लेना क्योंकि इसी विकेट के साथ भारतीय टीम के इस मुकाबले में जीत लेगी। बता दें दूसरे सेशन के अंत तक इंग्लैंड की टीम का स्कोर 7 विकेट खोकर 185 रन है। इंग्लैंड टीम को अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 180 से अधिक रन चाहिए और वहीं भारतीय टीम को सिर्फ 3 विकेट और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम ये चौथा टेस्ट मुकाबला जीत सकती है नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।